YouTube बैनर कैसे बनाएं, हाउ टू मेक प्रोफेशनल YouTube बैनर आर्ट। सो गाइस, ओनली 2 से 5 मिनट में आप अपने मोबाइल फोन की मदद से एक प्रोफेशनल YouTube बैनर क्रिएट कर सकते हो। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है जिसका नाम है Pixelab, या फिर इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। सो Pixelab ऐप को ओपन करने के बाद आपके सामने ऐसा यूजर इंटरफेस आ जाएगा। गाइस, YouTube बैनर बनाने के पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहता हूं जहां से आप अपने YouTube चैनल के लिए सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम और व्यूज भी बिल्कुल सस्ते प्राइस में बाय कर सकते हो। इस प्लेटफॉर्म का नाम SMM सर्विस सप्लायर है। यहाँ से आप इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के भी फॉलोवर्स एंड सब्सक्राइबर्स को बाय कर सकते हो। इसके लिए गाइज आपको सिंपल सा smmservicesupplier.com पर जाना है एंड वहाँ पर रजिस्टर करके किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे यूट्यूब के लिए लाइक्स, व्यूज एंड सब्सक्राइबर्स को परचेस कर सकते हो। फुल प्रोसेस वाली वीडियो का लिंक और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो Pixelab ओपन करने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पर सेंटर में एक न्यू टेक्स्ट का बॉक्स दिखाई देगा, इसे आपको डिलीट कर देना है। डिलीट करने के लिए आपको सिंपल सा टॉप लेफ्ट कॉर्नर में डिलीट वाले बटन पर क्लिक करके इसे डिलीट कर देना है। देन गाइस, इसके बाद आपको नीचे कॉर्नर में से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इमेज साइज पर क्लिक कर देना है। फिर आपको कस्टम पर क्लिक करके यहाँ से यूट्यूब चैनल बैनर को सिलेक्ट कर लेना है और ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब हमें यहाँ पर बैनर बनाने के लिए कुछ टेम्पलेट्स की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए आपको सिंपल सा ऊपर टॉप पर प्लस वाला आइकन देखने को मिलेगा, सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करके यहाँ से आपको फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आप अपने डिवाइस की गैलरी में आ जाओगे। देन मैं यहाँ से इस वाली टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस टेम्पलेट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही मैं यहाँ पर बैनर बनाने के लिए जितनी भी टेम्पलेट्स और इमेजेस का यूज करूंगा सबके सब आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से इन सभी को इजीली डाउनलोड कर सकते हो। देन गाइस, इस टेम्पलेट को ऐड करने के बाद इसके साइज को कुछ इस तरीके से स्क्रीन में आपको फिल कर देना है और फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक व्हाइट बॉक्स आ जाएगा, इस बॉक्स को आप लेफ्ट कॉर्नर में ले आइए और इसके साइज को एक्सपेंड करके कुछ इस तरीके से बड़ा कर लीजिएगा। फिर इसके बाद आपको यहाँ से इसकी ओपेसिटी को 90% पर रखना है और इसके कलर को यहाँ से आपको ब्लैक कर देना है और डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद टॉप पर आपको एक लेयर वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके आपको यहाँ से इन दोनों टेम्पलेट को लॉक कर देना है। लॉक करने से गाइस ये दोनों टेम्पलेट अपनी अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगी। देन फिर से आपको प्लस वाले साइन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इस वाली टेम्पलेट को सिलेक्ट कर लेना है और इस पर आपको बिल्कुल भी टच वगैरह नहीं करना है। आपको सिंपल सा यहाँ नीचे से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, फिर स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे आना है और कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है और यहाँ से इसके कलर को येलो कर देना है। देन इसके बाद आपको रिलेटिव साइज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको इसकी विड्थ को 100% कर देना है और इसके हाइट को भी 100% कर देना है और यहाँ से इसको डन कर देना है। फिर आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इस टेम्पलेट को भी आपको यहाँ से लॉक कर देना है, जिससे हम आगे इस टेम्पलेट के ऊपर बैनर क्रिएट करेंगे तो ये अपनी जगह से मूव ना करे और हम अपना वर्क इजिली कर पाए। देन आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और इस बार हम इस PNG इफेक्ट का यूज करेंगे, इसलिए इसके साइज को स्मॉल करके कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे और फिर यहाँ से कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे कॉपी कर लेंगे। फिर यहाँ से हम क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से फ्लिप वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे फ्लिप कर देंगे और ओके वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। देन इसे भी हम कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगा देंगे और फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आपको अपना कोई भी एक फोटो सिलेक्ट कर लेना है या आप अपने चैनल का लोगो भी यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। देन इसे राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके राउंड शेप में कन्वर्ट कर लेंगे और डन पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके साइज को छोटा करके इस जगह पर रखेंगे और रिलेटिव साइज वाले ऑप्शन में आके इसके विड्थ को यहाँ से 13 पर रखेंगे और इसकी हाइट ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगी। इसके बाद आपको रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, जिससे ये सेंटर में आ जाएगा और इसे एकदम एक्यूरेट जगह पर रखने के लिए पोजीशन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से इसे मूव करके थोड़ा सा आगे ले आएंगे, फिर डन पर क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है एंड यहाँ से स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है, जिससे आपके फोटो पर एक प्यारा सा व्हाइट कलर का बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। अब आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको अपनी सेकंड फोटो को सिलेक्ट कर लेना है और इसे भी राउंड शेप में कन्वर्ट करके सेम प्रोसेस से यहाँ पर लगा देंगे। फिर इसके बाद आपको लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बाकी सभी टेम्पलेट्स को भी यहाँ से लॉक कर देना है। देन इसके बाद प्लस वाले साइन पर क्लिक करना है और यहाँ से टेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक न्यू टेक्स्ट का बॉक्स आ जाएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर अपने चैनल का नाम डाल देना है और ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है एंड इसके बाद इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। फिर यहाँ से आपको ए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है
और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ से एबी फॉन्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और गाइज मैं यहाँ से इस डेस वाले फॉन्ट का यूज करूंगा, देन ओके पर क्लिक कर देना है और आपको अपने चैनल के नेम को यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको अपने चैनल के नेम को टू कलर्स में डिवाइड कर लेना है। इसलिए मैं यहाँ पर योगेश नेम को कुछ इस तरीके से इतना सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके कलर को यहाँ से येलो कर देंगे और ओके वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। देन इसके बाद आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके एक न्यू टेक्स्ट ले लेना है और इस बार आपको यहाँ पर टाइप करना है सब्सक्राइब नाउ और इसके साइज को छोटा करके यहाँ पर रख देना है। देन यहाँ से आपको एबी फॉन्ट वाले सेक्शन में आना है एंड इस बार आपको यहाँ से इस वाले फॉन्ट का यूज करना है और ओके वाले बटन पर क्लिक कर देना है। अब इसके कलर को भी हम यहाँ से व्हाइट एंड येलो में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको यहाँ से डन कर देंगे। देन इसके बाद फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से सोशल मीडिया वाले टेम्पलेट को ऐड कर लेंगे और इसके साइज को स्मॉल करके यहाँ पर लगा देंगे और इन सभी को भी हम यहाँ से फटाफट से लॉक कर लेते हैं। देन इसके बाद फिर से आपको एक न्यू टेक्स्ट लेना है और इस बार आपको यहाँ पर टाइप करना है फॉलो मी ईयर। फॉलो मी ईयर लिखने के बाद आपको इसके साइज को छोटा करके आपको इसे सोशल मीडिया की टेम्पलेट के जस्ट आगे लगा देना है। फिर आपको यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, बी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड इसे यहाँ से बोल्ड कर देना है, देन ओके पर क्लिक कर देना है। अब आपको फिर से प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, फ्रॉम गैलरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, देन यहाँ से इस वाली इमेज को आपको सिलेक्ट कर लेना है एंड इसके साइज को छोटा करके यहाँ पर इसे एडजस्ट कर देना है अच्छी तरीके से एंड इसके बाद आपको साइड में एक कॉपी वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा। सिंपल सा आपको इस पर क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको क्रॉप वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ से आपको इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे अपोजिट साइड में कन्वर्ट कर लेना है और यहाँ से डन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन इसके बाद आपको इसे राइट साइड में कुछ इस तरीके से लगा देना है और इसे भी हम यहाँ से जल्दी से लॉक कर देते हैं। अब इसके बाद आपको एक बार फिर से और लास्ट टाइम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, गैलरी में जाना है एंड यहाँ से आपको यूट्यूब के आइकन को सिलेक्ट कर लेना है और इसके साइज को छोटा करके यहाँ पर कुछ इस तरीके से लगा देना है। देन यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और स्ट्रोक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसे इनेबल कर देना है और यहाँ से राइट वाले निशान पर क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद आपको ऊपर आके इस आइकन को कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी कर लेना है एंड इसके साइज को छोटा करके और इसे रोटेट करके जहाँ पे सब्सक्राइब नाउ लिखा हुआ है उसके आगे कुछ इस तरीके से लगा देंगे। देन फिर से इसे कॉपी करके इसे दूसरी साइड में लगा देंगे। अब आपका प्रोफेशनल बैनर बनकर रेडी हो चुका है एंड आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप भी बैनर या चैनल आर्ट इजीली क्रिएट कर पाओगे। इसलिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पर सिलेक्ट कर लेना। अब दोस्तों हम इसे गैलरी में सेव करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ से सेव वाले बटन पर क्लिक करना है, सेव एज इमेज पर क्लिक करना है एंड यहाँ से कस्टम वाले बटन पर क्लिक करके इसकी क्वालिटी को अल्ट्रा पर सिलेक्ट कर लेना है जिससे ये फुल HD क्वालिटी में डाउनलोड हो एंड सेव टू गैलरी पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों हम पिछले वीडियो के प्रमोशन विनर को देख लेते हैं। इनके चैनल का नाम है स्टेटस शॉर्ट्स। इनके चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और अपने कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया है, तो जाके इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इनको सपोर्ट कीजिए। और नेक्स्ट टाइम अगर आपको भी अपना चैनल प्रमोट करवाना है तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस वीडियो को एक लाइक करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट कर देना है। नेक्स्ट टाइम आपका भी चैनल में अपने कम्युनिटी पोस्ट में और अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रमोट कर दूंगा। सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।